वेलकम एवरीवन फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रूबल कौर हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमदर्द का माजून सुहाग सोट के बारे में। ये एक यूनानी की क्लासिकल दवाई है, इसे यूनानी की ज़्यादातर कंपनियां बनाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माजून सुहाग सोट के फ़ायदे, इसके इस्तेमाल करने का तरीका, आपको इसको कैसे लेना है और किस चीज़ों का परहेज़ करना है। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल मेडिकोज लाइफ लाइन पर नए हैं तो हमारे चैनल मेडिकोज लाइफ लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट्स, आपको ये क्या फ़ायदे देता है जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितनी भी जड़ी बूटियाँ इसमें मौजूद हैं, वो सारी हर्बल हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। माजून सुहाग सोट महिलाओं के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही लाभकारी औषधि है। ये महिलाओं में जितनी भी यूट्रस को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ठीक करती है और जिन लोगों को बच्चा होने के बाद प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये महिलाओं के यूट्रस में यानी कि गर्भाशय को शक्ति देता है, उसको स्ट्रांग बनाता है। यूट्रस में अगर किसी भी तरीके की कोई भी कमज़ोरी की वजह से बेबी नहीं हो पा रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवाई है। ये प्रेग्नेंट बनाने में हेल्प करता है। ये यूट्रस की जितनी भी बीमारियां हैं, मतलब जितनी भी कमज़ोरियां हैं, उनको दूर करता है और स्ट्रांग बनाता है। अगर किसी महिला के कमर में दर्द है या पैरों में दर्द है तो ये उसको भी ठीक करता है। माजून सुहाग सोट का इस्तेमाल अगर जिसे बेबी हो जाता है तो उसके बाद अगर इसका इस्तेमाल करना है, जो कमज़ोरी हो जाती है उस कमज़ोरी को भी ये ठीक करता है, उसको कमज़ोरी को दूर करता है। ये माजून सुहाग सोट जो है बच्चा होने में और बच्चा होने के बाद जो कमज़ोरी आ जाती है यूट्रस में, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये डिलीवरी होने के बाद जो यूट्रस की अगर सही से सफाई नहीं होती है तो उसकी वजह से जो कमज़ोरी आ जाती है, वेट बढ़ने लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, कमज़ोरी आती है, खून की कमी होती है, ये काफ़ी परेशानियों में जो भी होती हैं उनमें ये बिल्कुल ठीक दवाई है। अगर किसी भी लेडीज़ को बच्चा नहीं हो रहा है यूट्रस में, अगर उनको वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो ये बच्चा ठहरने में यानी कि प्रेग्नेंट होने में भी मदद करता है। अगर आप ये प्रेग्नेंट होने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ हब्बे हमल का भी इस्तेमाल करना आपको ज़रूरी है। आपने हब्बे हमल का इस्तेमाल जब आपको पीरियड्स हो जाते हैं, पीरियड्स से फ्री हो जाती हैं, तो उसके लगातार 3 दिन तक करना है। हब्बे हमल की एक एक गोली सुबह शाम आपको दूध के साथ लेना है और ये माजून सुहाग सोट का इस्तेमाल आपको कंटिन्यू 3 महीने तक करना है। लेकिन अगर आप इसके साथ वो हब्बे हमल का इस्तेमाल कर रही हैं तो वो सिर्फ़ आपको जब पीरियड्स से फ्री हो जाएंगी उसके लिए, उसके बाद सिर्फ 3 दिन ही करना है, बाकी ये आपको 3 महीने इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको बच्चा होने के लिए यानी कि प्रेग्नेंट होने के लिए माजून सुहाग सोट का इस्तेमाल कर रही हैं तो लगातार 3 महीने तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। और ये बच्चा होने के बाद माजून सुहाग सोट आपको कमज़ोरी जितनी भी होती है उसको दूर करता है। माजून सुहाग सोट का इस्तेमाल आपको 5-5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ करना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको माजून सुहाग सोट का इस्तेमाल दूध के साथ ही करना है और आपको परहेज़ करना है जिन चीज़ों से। तो जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिर्च मसाले और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं। आपको मांस मच्छी का भी परहेज़ करना है क्योंकि वो गर्म होती हैं, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हम नंबर दे रहे हैं, आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मेडिकोज लाइफ लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।